हमारे वक्त की धड़कन, हमारा चिंतन, हमारी भावनाएं, हमारे विचार, कभी कोमल बातचीत तो कभी इंटरेक्शन तेज तर्रार। तय करें मिलकर व्हाट इज रॉन्ग व्हाट इज राइट। आईटीवी पर अशोक व्यास के साथ इनसाइट टुनाइट। नमस्कार, मैं अशोक व्यास, कार्यक्रम का नाम इनसाइट टुनाइट विद अशोक व्यास। और इस कार्यक्रम में हम बात करते हैं कुछ ऐसे विषयों पर जो हमारे दिल से जुड़े हुए हैं, जिन पर चिंतन करने से ये स्पष्ट होता है कि हम जिस तरह जीवन को अपना रहे हैं उसमें क्या कुछ बदलाव लाने से और अधिक आनंद आएगा और अधिक संतोष आएगा। बेसिकली एनीथिंग दैट इज शेपिंग अवर लाइफ, ऑल दोज इवेंट्स विच आर डिफाइनिंग अवर टाइम आर अ पार्ट ऑफ दिस शो। एंड व्हेन वी आर टॉकिंग अबाउट इनसाइट एंड वी आर लुकिंग टूवर्ड्स लुकिंग विद इन, देन द इंपॉर्टेंस ऑफ एक्सप्रेशन बिकम्स इनएविटेबल। अभिव्यक्ति से व्यक्ति है, व्यक्ति तभी है जब अभिव्यक्ति है। अभिव्यक्ति को लेकर अपनी पहचान तक की यात्रा करने में जहां वैज्ञानिक हमारी मदद करते हैं, वहीं साहित्यकार भी हमारे लिए सहायक होते हैं। और ऐसा बहुत कम होता है कि वैज्ञानिक और साहित्यकार दोनों का समागम एक व्यक्तित्व में हो जाए। और हमारा सौभाग्य है कि कोलोराडो से पधारे एक ऐसे शख्स जिन्होंने भारत के बिट्स पिलानी में विद्यार्थियों को मेटीरियल साइंस के ज्ञान से लाभान्वित किया, एटॉमिक एनर्जी से भी आप जुड़े रहे और साहित्य से भी उनका बड़ा गहरा लगाव है। सो डॉक्टर विनोद तिवारी जी का सबसे पहले मैं आज के कार्यक्रम में स्वागत करना चाहता हूं। आपका बहुत बहुत स्वागत। नमस्कार, धन्यवाद। और डॉक्टर विनोद तिवारी जी के शिष्य भी रहे हैं और उन्हीं की तरह साहित्य सुधा से अपना विशेष संबंध रखने वाले कंप्यूटर प्रोफेशनल और इंटरनेट और हिंदी, इनकी बात जब आती है तब भी उनका नाम याद आता है। अनूप भार्गव जी हमारे साथ हैं। अनूप जी, आपका भी स्वागत है। तो आपके लिए ये जो कैमरा सम्मुख है आपके, वो आपको हमारे दर्शकों तक पहुंचा रहा है। और दर्शकों तक पहुंचना आवश्यक है या नहीं है, पर अपने आप तक पहुंचना कहीं ना कहीं आवश्यक हो जाता है। सो डॉक्टर तिवारी जी, लेट अस गो बैक टू योर लाइफ। ये कब की बात है जब आपको लगा कि मुझे लिखना चाहिए? अब क्या कहूँ, कहते हैं ना, पूछते हैं वो कि गालिब कौन है, कोई बतलाओ कि हम बताएं क्या। लिखने का पता नहीं, कविता में मुझे रुचि बहुत बचपन से ही रही और कविता के साथ साथ भौतिक विज्ञान में, फिजिक्स में भी रुचि बहुत छोटे पर से ही रही। तब से जब मुझे पता भी नहीं था भौतिक विज्ञान क्या होता है, तो मुझे इंद्रधनुष देख के बहुत अच्छा लगता था और बादल देख के बहुत अच्छा लगता था, तो मैं अक्सर देखता रहता था। तो जब मैं 7-8 साल का था, तब मैंने कहीं पढ़ा, किसी ने कहा कि इंद्रधनुष कैसे बनता है ये भौतिक विज्ञान से पता लगता है। भौतिक विज्ञान का मुझे कोई ख्याल नहीं था, लेकिन तब से भौतिक विज्ञान के प्रति एक अचंभा सा रहा कि ये सीखना है। फिर मैंने कविताएं तो बीच बीच में पढ़ी थी, बच्चों की किताबों में, बच्चों की पत्रिकाओं में, तो मैंने खुद भी लिखने की कोशिश की, एक बादल के ऊपर कुछ लिखने की कोशिश की। और तब मुझे लगा कि ये भौतिक विज्ञान भी सीखना है और कविता पढ़नी भी है, और उसी में बीच बीच में लिखते रहे। तो बहुत ही सुंदर आपने एक प्रतीक लिया, इंद्रधनुष, जो बहुत सृजनशील मन वाले लोगों के लिए एक कुतूहल भी रहता है। और कहते हैं कि उसके जो सतरंग हैं वो क्रिएटिविटी को कहीं ना कहीं टच करते हैं। तो आपकी तरफ मैं फिर इस बात को लेकर आता हूँ कि जब आपने फिजिक्स के द्वारा ये जान लिया कि इंद्रधनुष कैसे बनता है और बिना जाने जो उसका भाव था, क्या उसमें परिवर्तन हुआ? पर उससे पहले मैं अनूप जी से जानना चाहता हूँ, इंद्रधनुष को लेकर बचपन की कौन सी स्मृति आपके साथ ठहरी हुई है? नहीं, इंद्रधनुष का वही स्वरूप बनता है कि प्रकृति अपने आप में कितने चमत्कार कर सकती है। आपने पेंटर को देखा है कि वो बहुत अच्छी तस्वीर बनाता है, एक फोटोग्राफर बड़ी अच्छी तस्वीर लेता है, एक संगीतकार अपने संगीत का सृजन करता है, लेकिन
प्रकृति में स्वयं में कितने चमत्कार छुपे हुए हैं, ये मुझे सबसे पहले लगा और इंद्रधनुष उसका एक अच्छा उदाहरण है। तो फिर आपकी तरफ विज्ञान के द्वारा जो कुछ हमारे आसपास हो रहा है उसको समझने, उसको पहचानने की प्रक्रिया, हमारा जो एकेडमिक एनवायरनमेंट होता है उसमें सचमुच होती है क्या? या विद्यार्थी जाते हैं और एक सदा सदाया कोर्स होता है, दे जस्ट कनेक्ट विद दैट पर्टिकुलर सिलेबस? नहीं, मुझे उच्च शिक्षा पे, यूनिवर्सिटी शिक्षा पे बहुत ज़्यादा विश्वास है, इसलिए ऐसे होते हैं विद्यार्थी जो उसका पूरा फ़ायदा नहीं उठाते, लेकिन ऐसे कई होते हैं जो कि साइंस समझते हैं और उससे अच्छे शहरी बनते हैं, अच्छे व्यक्ति बनते हैं, तो मुझे तो बहुत विश्वास है। इसलिए आपका सवाल का उत्तर तो यही है कि मुझे प्रसन्नता है आपको विश्वास है, बहुत ज़्यादा विश्वास है। और कभी कोई कहता है, जैसे एक दो फिल्में बनी हैं जिसमें उच्च शिक्षा की उन्होंने हंसी उड़ाई है, बुराई की है, तो मुझे वो बात अच्छी नहीं लगती। वो लोग भूल जाते हैं कि अब सब कुछ, यहाँ हम लोग बैठे हुए हैं, लाइट जल रही है, कमरे के अंदर बैठे हैं, माइक्रोफोन है, कैमरा है, कहाँ से आया? तो विज्ञान से ही आया। और विज्ञान ये तो नहीं कि न्यूटन ने विज्ञान आरंभ किया उसके बाद चला ही नहीं, तो इसका मतलब ये है कि बाकी शास्त्रों ने सीखा उसको और ये तब से उसका उत्थान हो रहा है, डेवलपमेंट हो रहा है। तो बिल्कुल एब्सोल्युटली, क्या तो विज्ञान को पढ़ने पढ़ाने का जो एक लयात्मक संबंध विद्यार्थी और पढ़ाने वाले के बीच में होता है वो बहुत महत्वपूर्ण संस्कार छोड़ता है। अनुज जी, आप चूँकि इनके साथ पढ़ने का अनुभव भी आपका रहा है, तो कोई विशेष बात इनके पढ़ाने की शैली में जो आपको लगता है कि अनूठी थी? नहीं, आपने ये तो बहुत थोड़ा निजी सा सवाल पूछा है और मेरा सौभाग्य रहा है कि डॉक्टर विनोद तिवारी मेरे अध्यापक रहे और अध्यापक के बाद में मेरा सौभाग्य रहा कि मुझे इन्हें मित्र कहने का अवसर मिला। तो जहाँ तक फिज़िक्स पढ़ने का सवाल है, मुझे कुछ ज़्यादा स्मृतियाँ नहीं हैं उसकी तो, लेकिन पिलानी में एक कवि के नाते जो मेरा इनसे परिचय हुआ उसकी मुझे बहुत ही मधुर स्मृतियाँ मुझे याद हैं। और वास्तव में अगर देखा जाए तो एक बड़े आश्चर्य की बात थी कि उस समय डॉक्टर विनोद तिवारी इंग्लैंड से वापस आए थे और एक इस तरह की उनकी इमेज थी कि बिल्कुल फिरंग से बाहर से वापस आए हैं, और उनसे फिर शुद्ध हिंदी में सुंदर गीत और कविता सुनना एक बहुत ही सुखद आश्चर्य मेरे लिए रहा उस समय। तो ये जो सुखद आश्चर्य का सुखद अनुभव अनूप जी के साथ रहा, वो हमारे दर्शकों तक भी पहुँचे, आप कुछ हमारे दर्शकों को सुनाएं? देखिए, वैसे तो कुछ भी सुना सकते हैं, लेकिन अभी आप जो बात कर रहे थे इंद्रधनुष की और इंद्रधनुष का विज्ञान से कविता से संबंध, तो मैं अपनी कविता की ही दो पंक्तियाँ जी सुना दूँ आपको। इसी विषय पे है कि इंद्रधनुष, जब मैंने बताया 7-8 साल में, तब मुझे सिर्फ ये पता चला था कि भौतिक विज्ञान से समझ में आता है, लेकिन कैसे बनता है ये फिर भी समझ में नहीं आया था, ये तो काफ़ी बाद में समझ में आया। तब मैंने लिखा कि एक कविता है, उसका मुखड़ा स्थाई है कि मेरा एक दीप जलता है। पूरी कविता नहीं सुनाऊंगा, सिर्फ ये दो पंक्तियाँ। सूर्य किरण जल की बूंदों से छनकर इंद्रधनुष बन जाती है। क्या बात है। सूर्य किरण जल की बूंदों से छनकर इंद्रधनुष बन जाती, वही किरण धरती पर कितने रंग बिरंगे फूल खिलाती। क्या बात, बहुत सुंदर। ये कितनी विभिन्न घटनाएं, पर दोनों में निहित प्रकृति का नियम एक है जो अटूट है। इस पर अडिग आस्था मुझको, जो विज्ञान मुझे पग पग पर प्रेरित करता है, मेरा एक दीप जलता है। बहुत सुंदर। तो ये जो मेरा विश्वास है कि जो ये दो कितनी अलग अलग प्रक्रियाएं हैं कि एक इंद्रधनुष बन रहा है सूर्य के किरण से और उसी सूर्य के किरण से फूल खिल रहे हैं, लेकिन प्रकृति का जो नियम है दोनों में एक ही है। तो ये जो यूनिफिकेशन है, ये फिजिक्स की, और उसको कविता में कहो कैसे भी कहो, तो ये प्रकृति का नियम है, ये अटूट है। ये जो बात आपने कविता में कही तो उस सुंदर अनुभूति देती है सुनने वाले को, पर इसको अगर विज्ञान की दृष्टि से कोई समझाएगा तो कहीं थोड़ी शुष्कता की संभावना नहीं? बहुत अच्छा हुआ आपने सवाल पूछा, ये तो मैं अक्सर छात्रों से बात करता था। शुष्कता नहीं,
बल्कि ये लोग मेरे जो पुराने छात्र हैं वो अक्सर अभी भी बात करते हैं कि उनको मेरी कौन सी बात, जो मैं तो ऐसे ही कह देता था उस समय, लेकिन उन्हें बहुत प्रभावित करती थी, यही बात शिक्षा की। इसमें काव्य दिखता है, संगीत दिखता है, ये जानकारी, ये समझ कि सूर्य किरण जल की क्षणों से, जल की बूंदों से छनकर इंद्रधनुष क्यों बन रही है, क्योंकि उसमें सात तरंगे हैं, सात क्या, बहुत सारी तरंगे हैं, उनकी सबकी एक उनकी एनर्जी है, वेवलेंथ है, इसलिए जल पानी से डिस्पर्शन होता है, इसीलिए हम अलग अलग देखते हैं। यही वही वेवलेंथ जो है उसको फूल पे केमिकल रिएक्शन होता है, क्लोरोफिल्स का किसी का, और कैसे उसमें रंग बनते हैं, ये रियलाइजेशन इज फंटास्टिक। और छोटे बच्चों को समझाओ, जैसे मैं अपने बच्चों को समझाता था तो उनको बहुत फैसिनेशन होता था, तो शुष्क नहीं है फिजिक्स में, अगर कविता की बात नहीं भी करो, सिर्फ ये कि ये यूनिफिकेशन है। और मुझे भगवान पे बहुत विश्वास है, प्रकृति पे बहुत विश्वास है, तो मैं तो कहता हूँ अपने छात्रों से, अपने बच्चों से, कि भगवान का जो रूप हमें दिखता है वो ऐसे ही दिखता है। अगर ये पहचान लो कि सब में एक ही भावनाएं है, एक ही प्रक्रिया है, एक ही सिद्धांत है, और पूरी ज़िंदगी हम लगा देते हैं, वो सिद्धांत समझ में नहीं आता, थोड़ा थोड़ा समझते हैं हम सब लोग आगे आगे। और जैसे न्यूटन ने कुछ समझा, उसके बाद वो चली आ रही है सीरीज, हम लोग तो बहुत छोटे हैं, मतलब छोटे इंटेलेक्ट में, तो न्यूटन ने, आइंस्टाइन ने, इन लोगों ने बड़े बड़े योगदान दिए, तो हम उसको बहुत थोड़ा सा कहीं योगदान दिया या उसको समझ लिया, उसी से बहुत आत्मिक उत्थान की अनुभूति होती है। तो ये समझने वाली बात है, इसमें जिस तरह का फैसिनेशन आपके अंदर है विज्ञान के नियमों को लेकर, क्यों ऐसा है उसको समझने की तरफ, वो विलक्षण है कि उसके साथ एक एटॉमिक एनर्जी से जुड़ा हुआ मनुष्य भगवान में भी आस्था रखता है और कविता से भी प्रेम करता है, ऐसा समागम बहुत बिरला होता है। पर अनुज जी, जब हम इस दृष्टि से जगत को देख रहे होते हैं कि क्यों है, उसका विश्लेषण करके उसको समझने का प्रयास कर रहे होते हैं, और जब एक काव्य दृष्टि है उसमें स्वीकारने का भाव कहीं अधिक है शायद, तो क्या किसी रूप में विज्ञान और साहित्य अलग अलग तरह से एक जगह पर पहुंचते हैं, जिसमें मैं दोहराना चाहता हूं, ऐसा लगता है कि काव्यात्मक दृष्टि अधिक अपनाने की ओर ले जाती है और वैज्ञानिक दृष्टि थोड़ा चीरफाड़ में अधिक प्रेरित करती है। नहीं विनोद, ये तो अच्छी तरह से समझाएंगे, लेकिन मेरा ये सोचना है कि जब आप विज्ञान की बात कर रहे हैं तो उसमें सिर्फ आप तथ्यों की बात कर रहे हैं जो कि सिद्ध किया जा चुका है, जो कि प्रूव किया जा सके, और जब हम कविता की तरफ आते हैं तो हमें कुछ लिबर्टी मिलती है कि हम कुछ उसमें कल्पना को जोड़ सकें, कुछ उससे आगे देख सकें जिसको कि सिद्ध न किया जा सके। तो मेरे ख्याल से यही एक फ़र्क है विज्ञान और कविता में, कि वो ज़िंदगी को किस तरह से देखते हैं। विज्ञान में कल्पना का कोई स्थान नहीं है, जबकि कविता में कुछ। आपकी जो बात है इसको लेकर मैं विनोद जी की तरफ जाना चाहता हूँ, क्योंकि एक तो खैर हमने सुना है जान पहुँचे रवि वहाँ पहुँचे कवि, और जैसे अनूप ने कहा कि विज्ञान में कल्पना का स्थान नहीं, पर मुझे लगता है वैज्ञानिक अगर कल्पना न करता तो हम शायद वहाँ तक नहीं पहुँचते जा सकते। हाँ, मेरे ख्याल अनूप का कल्पना से कुछ और मतलब है, उस सेंस कल्पना का मतलब उसका यह है कि कोई चीज़ जो मेजरेबल है वो साइंस है, लेकिन हाँ कल्पना तो करनी ही पड़ती है, क्योंकि एक बार कल्पना की फिर उसको वेरीफाई करते हैं, प्रूव करते हैं, तो ऐसे विज्ञान का विकास होता है। लेकिन जो आपने कहा ना कि जान पहुँचे रवि वहाँ पहुँचे कवि, तो वो मतलब वो कल्पना का थोड़ा सा सेंस दूसरा है। जो एक बात यह है कि आप जैसे सवाल पूछ रहे हैं, ऐसा कोई मेरा स्टूडेंट होता तो बहुत अच्छा रहता। तो ये मुझे लगता है कि मेरे लिए बड़ा कॉम्प्लीमेंट है, क्योंकि एक इस तरह की जिज्ञासा के बिना इनसाइट और आगे बढ़ने की संभावना कम हो जाती है। पर हम आगे बढ़ना चाहते हैं और विनोद जी की उपस्थिति का पूरा लाभ लेते हुए आगे बढ़ना चाहते हैं, लेकिन बढ़ने से पहले थोड़ा सा विराम। सो विल बी राइट बैक आफ्टर दिस शॉर्ट ब्रेक। Today's Insight Tonight with Ashok Vyas is special because of the presence of someone who has connected with life as a poet, as a physicist, and
देयर इज दिस जेन्युइन डिजायर टू कनेक्ट विद द वर्ल्ड, तो ये जो सचमुच विश्व से जुड़ने की इच्छा है उसको लेकर ही हमारा विकास होता है। और इस विकास की यात्रा को जब हम आगे बढ़ा रहे हैं तो हमारे साथ अनूप भार्गव जी हैं और डॉक्टर विनोद तिवारी जी भी हैं। तो विनोद जी, जैसे कि हम पहले बात कर रहे थे कल्पनाशीलता की, उसको लेकर मुझे विस्मय का जो एक भाव मनुष्य के अंदर होता है, बिल्कुल, जैसे कि आपने बचपन में इंद्रधनुष देखा विस्मित हो गए, बिल्कुल, तो जिस तरह की जीवन शैली हमने धीरे धीरे अपने लिए बनाना शुरू कर दिया, उसमें विस्मित होने का स्थान हम क्या कम करते जा रहे हैं? ये आपकी बात बहुत ठीक है और ये थोड़ी सी गलती है अध्यापकों की, स्कूल सिस्टम की, कि बच्चों को विस्मित नहीं होने देते हैं और कोई कुछ पूछता भी है तो उसको ब्रश असाइड कर देते हैं। किसी बच्चे ने पूछा कि ऐसा क्यों हुआ, फादर बिजी है, मदर बिजी है, कि आने ही नहीं, छोड़ो, अच्छा बाद में बताएंगे, ये क्या है। तो ये बात बहुत ज़रूरी है, ये जो विस्मय की जो भावना है, सारा ज्ञान का जो विकास हो रहा है उसी से हो रहा है। हर बात पे पूरा विज्ञान का इतिहास देखें, न्यूटन को विस्मय हुआ कि एप्पल सेब गिरा क्यों, उसकी वजह से पूरा सब कुछ हुआ। आइंस्टाइन को कुछ विस्मय हुआ कि प्रकाश कैसे, प्रकाश की गति क्या है। तो विस्मय बहुत आवश्यक है। और फिर मैं वही बात कहूँ, कविता का विस्मय से बहुत संबंध है। आपने कुछ देखा, इंद्रधनुष देखा, सूर्य को उगते देखा, सूर्य को डूबते देखा, तो मन में कुछ होता है। और जैसे अभी अनूप कह रहे थे कविता और विज्ञान में एक जगह तथ्य देखते हैं, एक जगह कल्पना देखते हैं, थोड़ा सा बात मैं बदलूं। अगर जो हम सब, जो मनुष्य का जो पूरा उद्देश्य है या जिसमें हमको सचमुच सुख मिलता है, कोई चीज़ समझने में मिलता है, और किसी भी प्रक्रिया के कई पहलू होते हैं, तो एक पहलू तो ये होता है कि हम उसको तथ्य समझें। अच्छा, तथ्य की परिभाषा क्या है, वो एक मिनट, तो तथ्य समझें वो तो विज्ञान हो गया। फिर तथ्य को अनुभव करें बिना सवाल पूछे कि ऐसा क्यों हुआ, ऐसा क्या हुआ, वो कविता के क्षेत्र में आता है। तो तथ्य को वैज्ञानिक परिभाषा ये है कि अगर ऐसा कुछ हुआ है तो हम वही काम दोबारा करें तो वो चीज़ फिर से होगी। तो ये मतलब साइंटिफिक रिप्रोड्यूसिबिलिटी जो है, तो ये साइंस में आता है, ये साइंटिफिक फैक्ट यही है कि कोई भी प्रक्रिया रिप्रोड्यूसिबल है कि नहीं। पानी जो है कुछ कंडीशंस में 100 डिग्री सेल्सियस पे उबलता है। अब ये एक प्रयोग आप करें, मैं करूं, कोई मुसलमान करे, ईसाई करे, कोई विश्वास की ज़रूरत नहीं है किसी को, अगर वो करेंगे तो वैसा ही हमेशा होगा। तो ये वैज्ञानिक तथ्य हो गया। अब हमने देखा कि पानी से भाप निकल रही है, अब हमने और कुछ नहीं सोचा, भाप निकलने से हमें क्या याद आया, कुछ आया, उसमें कल्पना हो गई कि भाप में एक शक्ल बन रही है, मेरे किसी प्रिय की शक्ल बन रही है, कुछ भी है, वो कविता हो गई। तो जो, लेकिन सचमुच पूरा तथ्य क्या है वो किसी को पता नहीं। तथ्य की परिभाषा हमने अपने मतलब से बनाई है, साइंटिफिक ट्रुथ जो रिप्रोड्यूसिबल हो। अब क्या पता भगवान ने क्या सोचा होगा तथ्य की क्या परिभाषा है, लेकिन हम इतना जानते हैं। लेकिन किसी और ने उसको अनुभव करके कहा, वो दो लोग अलग अलग हो सकते हैं, एक भी हो सकता है। हमने कुछ देखा, साहिर ने कुछ देखा, गालिब ने कुछ देखा, उन्होंने अपनी बात कही, हमने अपनी बात कही, तो जो सचमुच सत्य है संभवतः सब मिला के निकलेगा। वो कहानी है ना कि एलिफेंट हाथी देखने गए कई अंधे लोग, तो किसी ने हाथी का सूंड देखी, किसी ने उसका पैर देखा, तो सब ने सुनाया कि हाथी कैसा होता है, सिलिंड्रिकल होता है, किसी ने कहा गोल होता है, तो किसी एक का कहा हुआ सत्य नहीं था। इन सबको ओवरलैप करें उससे सत्य पूरा पूरा उभरता है। तो मेरा ख्याल है यही कविता और भौतिक विज्ञान और कोई भी विज्ञान, ये दोनों अलग अलग पहलुओं को देखते हैं और जो पूरा सत्य होगा इन दोनों को मिला के निकलेगा। ये बात जब पूरे सत्य की आती है तो बात बहुत दूर तक चली जाती है, और जो ध्वनि है वो अगर माइक से हमारा हाथ स्पर्श करता है तो अलग तरह से ध्वनित होती है, तो हम सजग रहते हैं कि माइक को स्पर्श न करें। बिल्कुल, इसी प्रकार से बहुत सारी बातें हैं जिनके लिए हमें जीवन में सजग रहना होता है। और जो समग्र सत्य और कंप्लीट ट्रुथ की जो बात है वो बड़ी इंटरेस्टिंग बात है, बिकॉज इट अपीयर्स एज इफ इट इज इम्पॉसिबल फॉर एनीवन इन दिस फिजिकल फॉर्म टू बी एबल टू लुक एट
ऑल दैट इज अवेलेबल टू बी सीन टू बी अंडरस्टूड, मगर जो जो है सीमाओं से बाहर जाना हमारे लिए महत्वपूर्ण है. जहाँ जहाँ हम होते हैं सीमाओं को कहीं ना कहीं तोड़ने का प्रयास करते हैं. बिल्कुल. तो जब क्रिएटिविटी की बात आती है अनूप जी, तो अक्सर होता है कि जो पूरा सच है वो नहीं जानने वाले ही ज़्यादा क्रिएटिव होते हैं. एक एजम्पशन के तौर पर ऐसा माना जो अगर पूरी तरह सच को जान गया तो शायद वो कुछ कहेगा ही नहीं. सो नाउ वी गो बैक टू द नीड टू एक्सप्रेस. जो जगह पर आपको लगता है कि एक्सप्रेस करना जरूरी है, वहां पर आप सत्य के साथ एकमेक हैं या नहीं है, इसके बारे में आप क्या कहेंगे? नहीं, सत्य जो है अशोक जी वो अपने आप में सापेक्ष होता है. कोई एब्सोल्यूट ट्रुथ तो कोई भी शायद नहीं होता. तो हम अपने तरीके से उसको देखते हैं. और जहाँ तक सीमाओं की बात है, वो भी हम खुद ही बनाते हैं और उन्हीं सीमाओं के परे भी जाने की हम कोशिश करते हैं. तो अगर इजाज़त हो तो मुझे एक अपनी छोटी सी कविता पंक्तियाँ याद आ रही हैं, तो इसी से वो है. और तो उसमें मैंने कहने की कोशिश की है कि परिधि के उस पार देखो. तो अक्सर हम अपनी परिधि को डिफाइन कर लेते हैं और उसमें सिमट के रह जाते हैं. तो जैसा कहा गया है कि थिंक बियॉन्ड द आउटसाइड द बॉक्स, तो ये मैंने कहने की कोशिश की है कि परिधि के उस पार देखो. बहुत अच्छी है. एक नया विस्तार देखो. वाह वाह वाह. कि रूढ़ियां सीमा नहीं है. कई बार जो रूढ़ियों में बंध के रह जाते हैं हम, तो उससे आगे कहने की बात की है कि रूढ़ियां सीमा नहीं है, तुम नया संसार देखो. क्या बात है. बहुत अच्छा. और तूलिकाएं हाथ में हैं. बहुत अच्छी. तूलिकाएं हाथ में हैं, चित्र का आकार देखो. वाह बहुत अच्छी. बहुत अच्छी. ईश्वर हमें वही तूलिकाएं वही हाथ लेके भेजता है, लेकिन चित्र हम कैसा बनाते हैं ये हम पे निर्भर करता है. तो इसी में आगे कहा है कि मंजिलें जब खोखली हों. वाह बहुत अच्छी. मंजिलें जब खोखली हो. बहुत अच्छी. तुम नया आधार देखो. वाह वाह. कि कभी कभी हमें एक नए सिरे से शुरू होने की जरूरत होती है. बहुत अच्छी. बहुत. मंजिलें जब खोखली हो, एक नया आधार देखो. एक नया आधार देखो. और हाँ, मुझे पूरा यकीन है. मैं एक हमेशा से आशावादी किरण मेरे मन में रहती है कि हाँ, मुझे पूरा यकीन है स्वप्न को साकार. वाह क्या बात. बहुत. क्या बात है. और एक जो है कि उंगलियां जब भी उठाओ. वाह. उंगलियां जब भी उठाओ स्वयं का व्यवहार. वाह वाह वाह. बहुत अच्छे. बहुत अच्छे. उस बात देखो. एक नया विस्तार देखो. बहुत सुंदर. तो बहुत ही समृद्ध कर दिया आपकी इन पंक्तियों ने. उंगलियां जब भी उठाओ खुद स्वयं का व्यवहार देखो. तो अपनी और उंगलियां जाती ही हैं. और उंगलियों का उठना जो है वो भी हमारे चिंतन के साथ जुड़ा हुआ है कि हम किस पर उंगली उठा रहे हैं, कब उंगली उठा रहे हैं, क्यों उंगली उठा रहे हैं. और अगर जहां उंगली उठाना हमें आवश्यक लगता है तो क्या उस तरफ हम उंगली उठाए रखते हैं, इतनी शक्ति हमारे अंदर रहे कि नहीं है. तो ये सारे प्रश्न लेते हुए फिर सत्य की रेखा को छूते हुए मैं जब आपकी तरफ आ रहा हूँ विनोद जी, तो कभी ऐसा आपको लगा कि कविता ने सत्य तक पहुंचने में आपकी मदद की? कुछ अन्वेषण कविता के माध्यम से हुआ? मेरे ख्याल से हुआ. और कुछ नहीं तो मनोवैज्ञानिक रूप से तो हुआ ही, लेकिन उससे आगे भी हुआ. मैं कैसे बताऊं, एक कुछ अनरिलेटेड सा लगता है. मैं एक प्रोजेक्ट पे काम कर रहा था तो उसमें तो कुछ काम नहीं हो रहा था. मैथमेटिकल इक्वेशन मैं सॉल्व कर रहा था, ठीक से हो नहीं रही थी. तो उसमें और उसी समय मैं एक कविताएं भी कुछ मेरे दिमाग में आती थी. तो गालिब की एक शेर है, वो कुछ मैं ऐसे ही गुनगुना रहा था कि आते हैं गैब से ये मजामे ख्याल में. आते हैं, सुनी होगी, आते हैं गैब से ये मजामे ख्याल में. गालिब सरीर खामा, गालिब सरीर खामा नवाए सरोश है. समझ गए होंगे आप. अच्छा. गैब का मतलब भगवान से आते हैं सीधे ये जो हमारे ख्याल जो हैं, तो ख्यालों के जो मजाम लगा हुआ है, तो ये सीधे भगवान से आते हैं.
और जो कलम चलने की जो आवाज़ है सरीर खमा, ये जो एंजल जो थे इब्राहिम, उनकी वो संदेशा लाएँ। ये मानते हैं ना कि जो इब्राहिम साहब थे ये सीधे खुदा से संदेश लाए हम लोगों तक। तो ये जो ख्याल हैं भगवान से आ रहे हैं, और जो कलम चलने की आवाज़ है ये खुद ही हजरत इब्राहिम लाए हुए हैं। तो ये मैं पढ़ रहा था तो वही मुझे अच्छा, तो मैं उस समय मेरा तो कंप्यूटर चल रहा था, तो मैंने कहा शायद आज के ज़माने में हो सकता है भगवान संदेश कंप्यूटर से ही भेज रहे हों। तो इस तरह की बात, तो ये विश्वास की जो कुछ भी हम कर रहे हैं इसका वही सत्य की खोज है और भगवान से कुछ संबंध है। गालिब बहुत बड़ी चीज़ है, ये बहुत बड़े सब वैज्ञानिक हैं, मैं तो बहुत छोटा सा हूँ, लेकिन हैं सभी सत्य की खोज में। सत्य बहुत बड़ा है, बहुत बड़े बड़े वैज्ञानिक और कवि हैं, लेकिन हमने अगर उसकी एक छोटी सी झलक भी पाली तो समझो हमें बहुत, सभी को अपना अपना अच्छा लगता है। मैं अक्सर, आपकी कोई ऐसी कविता जिसमें आपको लगता है कि ये वाली जो यात्रा है उसकी थोड़ी झलक है? एक तो यही मैंने अभी आपको सुनाई थी, मेरा एक दीप जलता है उसमें, और एक और है मेरी, मुझे पूरी याद नहीं होगी, तो मेरी कविता अगर कभी साकार हुई, वाह मेरी अच्छी कविता है। हाँ तो ये थोड़ी सी लंबी है, मुझे पूरी याद नहीं होगी, वैसे मेरे फोन पे है। जितनी स्मरण है आप जी। तो मेरी कविता अगर, तो उसमें यह है कि मेरी कविता अगर साकार हुई तो क्या होगा। तो उसमें एक है कि कुछ करने की आकांक्षा है, कुछ पाने की अभिलाषा है, सारे स्वप्न सत्य होते हैं, जीवन की ये परिभाषा है। बहुत अच्छा, बहुत अच्छा है। तो और उसमें ये कि उसमें इस तरह की पंक्तियाँ हैं कि मेरी धरती अगर कभी आकाश हुई, वाह वाह, मेरी धरती अगर कभी आकाश हुई तो अंतरिक्ष में उल्का बनकर टूट टूट कर भी चमकेगी। क्या बात है, मेरी कविता अगर कभी साकार हुई। तो इस तरह की बातें हैं। तो ये मेरा अपना विश्वास है कि कविता के साथ साथ उसमें जैसे ऐसी भी है कि मेरी आशा अगर कभी विश्वास हुई, मेरी आशा अगर कभी विश्वास हुई तो हिमगिर के पाषाणी छाती से गंगा बनकर निकलेगी। क्या बात, बहुत सुंदर। तो ये मतलब सचमुच, अब मैं कविता व्यावसायिक रूप से तो नहीं लिखता हूँ, लेकिन अपनी बात ही कहने के लिए लिखते हैं, अपनी अभिव्यक्ति के लिए कहते हैं, तो जब भी कुछ कह पाते हैं तो लगता है कि हाँ अपने प्रति एक ईमानदारी सी हुई। अब मेरी ज़िंदगी का पूरा सिद्धांत मैं अनुपुर बता रहा था सुबह, जब मैं पिलानी में था तो छात्र लोग एक पत्रिका निकालते थे इंग्लिश में, बिट्स बीट, तो उसमें पूछा उन लोगों ने यही कविता और फिजिक्स के बारे में, तो मैंने कहा कि फिजिक्स इज़ माई स्ट्रेंथ एंड पोएट्री इज़ माई वीकनेस बेसिकली। तो इस तरह से जो मेरा पूरा व्यक्तित्व ऐसी है। तो जो आप यात्रा बता रहे हैं वो यात्रा में एक कदम कविता में रहता है, एक फिजिक्स में रहता है। मैं स्वयं अच्छी लिखूँ ना लिखूँ वो बात नहीं है, लेकिन कविता में रुचि हो पढ़ लें, गालिब की पढ़ के खुश हो जाते हैं, साहिर की पढ़ के खुश हो जाते हैं, तुलसीदास की पढ़ के खुश हो जाते हैं, तो वही तो एक उपलब्ध। मुझे स्मरण आता है कुछ संस्कृत की सूक्ति है जिसका अर्थ ऐसा निकलता है कि जिसका कलाओं की तरफ कोई रुझान नहीं है। हाँ। तो वो मनुष्य पशु के साहित्य संगीत कला विहीना। तो जो कला जगत है वो हमें मनुष्य बनने में मदद करता है। बिल्कुल। और एक विस्मय का जो भाव जिसकी हम पहले चर्चा कर रहे थे उसको लेते हुए मुझे ये पंक्तियाँ याद आती हैं हमारे शीनकाव निज़ाम साहब जोधपुर के हैं उनकी, वो कहते हैं कि तेरी आँखें खुदा महफूज रखे, वाह तेरी आँखें खुदा महफूज रखे, वाह तेरी आँखों में हैरानी बहुत, बहुत अच्छे, क्या बात, वाह 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 वाह, बहुत अच्छी, हैरान कर देने वाली बात है वो, ये भी है बहुत अच्छी कि हम जहाँ भी पहुँच जाएं, जैसे कि तिवारी जी एटॉमिक एनर्जी पर काम करने चाहे इंग्लैंड पहुँच गए, फिर वापस बिट्स जब पहुँचे तो भाषा के साथ जो उनका संबंध था जिसको लेकर स्वयं को पहचानने की एक सहज सी गति उनके अंदर थी, वो
निरंतर फूटती रही है आज तक, तो इस गति के बारे में और अपने से जुड़ने में भाषा विशेष व्यक्ति विशेष के साथ कैसा संबंध रखती है उसके बारे में चर्चा करेंगे हम इस छोटे से ब्रेक के बाद। वेलकम बैक इनसाइट टुनाइट विद अशोक व्यास। कार्यक्रम में आज हमारे साथ हैं डॉक्टर विनोद तिवारी। जैसा हमने पहले बताया वो एक कवि भी हैं और साथ ही साथ ख्याति प्राप्त फिजिसिस्ट भी हैं। एटॉमिक एनर्जी में काम करने के अलावा बिट्स पिलानी में उन्होंने 1974 से 1985 तक कई विद्यार्थियों को फिजिक्स के प्रति विशेष रसमयता से जुड़ने की प्रेरणाएं दी। और उसके बाद में आप जब वॉशिंगटन 1985 में आए थे तो कुछ समय के लिए आए थे NISTA नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ स्टैंडर्ड एंड टेक्नोलॉजी में। उनकी उपस्थिति इतनी सराही गई कि वो लगभग यहीं के होकर रह गए, पर वो सचमुच कहाँ के हैं इसमें भाषा ने किस तरह से पहचान बढ़ाने में मदद की है इसकी चर्चा उनसे कर रहे हैं। पहले मैं अनुज जी आपसे पूछना चाहता हूँ, आप भी कंप्यूटर में काम करते हैं और अंग्रेजी भाषा में बहुत सारा व्यवहार होता है, तो हिंदी आपको अभिव्यक्ति के लिए सहज लगती रही है, इसके बारे में कोई विशेष कारण? नहीं, कारण तो अशोक जी बहुत सहज है कि हिंदी मेरी मातृभाषा है और जो भी मैं सोचता हूँ मैं अभी भी हिंदी में ही सोचता हूँ। अगर मुझे अंग्रेजी में बोलना होता है तो मुझे अनुवाद करना होता है मन ही मन में। अब समय के साथ में वो अनुवाद चाहे थोड़ा तीव्र होने लगा हो, लेकिन जो हमारी जो ओरिजिनल सोच जो है वो अभी भी हिंदी में ही है। और जितनी सहजता से मैं अपने आप को हिंदी में अभिव्यक्त कर पाता हूँ वो किसी और भाषा में नहीं कर सकता, तो बहुत ही सहज सी बात है। ये सहज सी जो बात है वो ऐसी है जैसे कि हम सांस लेते हैं तो सहज है कि सांस आ रही है। हाँ, बिल्कुल, जी, और जी, जा बिल्कुल, रही है बिल्कुल, बिल्कुल, पर ये सहजता भी सीखी हुई सहजता है क्योंकि हमारा जो परिवेश रहा जहाँ हम बड़े हुए जहाँ से हमारे संस्कार हैं, तो भाषा के संबंध को लेते हुए विनोद जी जब आपने भारत छोड़ दिया और ब्रिटेन में रहे अमेरिका में रहे तो कैसे ये एक सरिता अभिव्यक्ति के लिए हिंदी भाषा के संबंध की बहती रही भीतर? नहीं, जैसा अनूप ने कहा वही मेरे साथ है, मातृभाषा वही है और मैं सोचता हिंदी में हूँ। और बस ये है कि वही परिवेश की बात है, अब फिजिक्स में अगर भाषण दे रहे हैं तो अंग्रेजी में ही देना होगा। एक दुर्भाग्य ऐसा हो गया है इन सब में कि हम लोग को हिंदी जो आती है वो पढ़ने से ही आती है, कोई भी भाषा पढ़ने से आती है। मातृभाषा एक बात है लेकिन पढ़ना तो पड़ता है और उतना हम सब लोग पढ़ नहीं पाते हैं। तो एक ऐसा हो गया है कि हम में से कई लोगों को, जैसे आपकी हिंदी बहुत अच्छी है लेकिन मैं लगातार हिंदी में नहीं बोल पाऊँगा क्योंकि मुझे हिंदी उतनी आती नहीं है। तो ये हमारे ज्ञान की बात है, ज्ञान का दोष है समझिए। और ठीक है, मतलब हिंदी मेरी मातृभाषा है, मेरा प्यार है हिंदी, लेकिन हिंदी के एक्सपर्ट नहीं हैं हम, तो हमारी कमज़ोरी है, हमें ये नहीं आता, हिंदी नहीं आती, बहुत चीज़ें नहीं आती हैं। अफसोस होता है कि कई, जैसे मैं किसी का नाम नहीं लूँगा लेकिन कई बहुत प्रसिद्ध अभिनेता जो हैं उनका तो काम ही है बोलना, तो उन लोगों को मैं देखता हूँ कि वो बोलेंगे तो अंग्रेजी बोलते रहते हैं और हिंदी का प्रोग्राम है, हिंदी टीवी है, हिंदी के लोग सवाल पूछ रहे हैं और आप अंग्रेजी बोलते हैं, हिंदी फिल्मों की रोटी खाते हो लेकिन बोलेंगे अंग्रेजी, तो उसमें और वो भी अंग्रेजी बहुत साधारण बोल पाते हैं, अंग्रेजी भी नहीं आती उनको, मतलब हिंदी तो फिर भी अच्छी आती है। तो ये बात को लेते हुए उधर बढ़ता हूँ, धीरे धीरे हम लोग शायद पढ़ने के अभ्यास को कम करने लगे हैं। हाँ, ऐसा इसका कारण शायद इंटरनेट के कारण हाँ, भी है या हाँ, जिस तरह से हम एक जमाने में जो प्रेम पत्र लिखे गए थे उनका भी अपना एक साहित्य हो जाता था। हाँ, अब तो SMS का साहित्य बिल्कुल, टेक्स्ट कर रहे हैं, फेसबुक पर चैटिंग कर रहे हैं, तो एक अलग प्रकार के साहित्य के सृजन की संभावना है। पर भाषा और इंटरनेट, खास करके हिंदी भाषा, और मुझे पहले मैं आपसे जानना चाहूँगा, आपको लगा कि हिंदी का इंटरनेट से और विस्तार होना चाहिए? आपने कुछ कुछ किया है, बताएं थोड़ा। हाँ नहीं, जैसा विनोद ने कहा, लेकिन एक बात मैं कहना चाहूँगा कि इंटरनेट के आने से
किताबों का पढ़ना शायद कुछ हद तक कम हुआ है, लेकिन जहाँ तक पढ़ने के अवसरों का सवाल है वो मैं कहना चाहूँगा कि इंटरनेट ने उसे और बढ़ाया है, क्योंकि किताबें आउट ऑफ प्रिंट हो सकती हैं, किताबें उपलब्ध नहीं हो सकती हैं, लेकिन जो इंटरनेट है वो तो विश्वव्यापी सर्वत्र है। हाँ, और यही हमने जो कोशिश की थी कविता कोश के माध्यम से कि अगर हम किसी भी एक कविता को एक बार अगर हम इंटरनेट पे डाल देते हैं तो वो हमेशा के लिए अमर होगी, उसको विश्व में कहीं भी किसी भी कोने में कोई भी उसको पढ़ सकता है। तो जहाँ एक तरफ किताबों का पढ़ना कम हुआ है वहाँ दूसरी तरफ पढ़ने के अवसर बड़े हैं इंटरनेट की वजह से। तो आप एक तो कविता कोश का उल्लेख आपने किया, तो कविता कोश KAVITAKOSH.org वहाँ जाएंगे तो आपको काफ़ी संपदा मिलेगी। और एक और खजाने का पता हम आपको थोड़ी देर बाद बताने वाले हैं, पर अनुप जी आप ई कविता से भी आपने कवियों को या पाठकों को जोड़ा है, उसके बारे में भी कुछ बताएं। हाँ, तो यहाँ पे फिर मैं इस बात को रेखांकित करना चाहूँगा कि ये जो तकनीकी हमने विकास किया है उसने न केवल हमें अधिक अवसर दिए हैं बल्कि एक दूसरे से संवाद के माध्यमों को भी बढ़ाया है। पहले आप अगर मैं अमेरिका में बैठा हूं और अगर मुझे किसी से भोपाल में बात करनी है तो कोई साधन नहीं था, या तो आप चिट्ठी लिखें जिसका जवाब आपको 15 दिन बाद आएगा, या आप फ़ोन करें जो कि इतना आसानी से उपलब्ध नहीं था। लेकिन अब ई कविता जैसे हमारा जो ग्रुप है उसको हमने शुरू किया था करीब 2003 में और अब उसमें हमारे 800 से अधिक सदस्य हैं जो कि ईमेल के माध्यम से एक दूसरे से कविताओं का आदान प्रदान करते हैं। तो इसमें न केवल हमें कविता लिखने की प्रेरणा मिलती है बल्कि एक दूसरे की कविताओं पर रिएक्ट करने का इन रियल टाइम मौका मिलता है हमें। तो ये सब मैं कहूँगा कि टेक्नोलॉजी एडवांसेस की वजह से ही संभव हुआ और हमें इसका पूरा फ़ायदा उठाना चाहिए। तो ये जो आशावादिता है जो ऐसी प्रेरणा देती है कि जो उपलब्ध है उससे हम और अच्छा क्या कर सकते हैं, उसकी सीमाओं को लेकर बैठ नहीं जाती है, पर फिर भी ये मानना तो पड़ेगा कि पढ़ने की जो आदत है वो पहले से कुछ कम हुई है, पर पढ़ने की आदत को बढ़ाने में मदद करने के लिए आपने जो एक काव्यालय.org शुरू किया है उसके बारे में बताएं, क्योंकि उसमें सिर्फ आपकी कविताएं नहीं है उसमें। ये काव्यालय.org बता चाहूँगा, आपने उसका रेफरेंस दिया। काव्यालय.org ये वाणी मुरारका एक हैं हिंदुस्तान में, वो जब छात्र थीं तो उन्होंने शुरू किया था। उस समय इंटरनेट उतना चलता भी नहीं था और हिंदी में मेरा ख्याल है काव्यालय पहली हिंदी की साइट रही होगी, तो उनको बहुत शौक था और चलाया उन्होंने, और कई जो प्रसिद्ध कवियों की कविताएँ उन्होंने उसमें रखी, बच्चन की सबसे पहले रखी थी, तो वो काफ़ी चला। मैंने काव्यालय काफ़ी देर में ज्वाइन किया वाणी मुरारका के साथ, तो मैं उसका सह संपादक कह लीजिए, तो उसमें भी जैसे अनूप ने बहुत अच्छे अच्छे चलाए हैं ये ई कविता और भी इनके हैं कई हिंदी विमर्श वगैरह, तो काव्यालय का भी वही था है कि उसमें जो बहुत सारी कविताएं हमने बहुत सारी प्रसिद्ध कवियों की कविताएँ सभी की, मध्यशरण गुप्त हैं, जयशंकर प्रसाद हैं, निराला हैं और पुराने कविता तुलसीदास हैं, इन सब की हैं उसमें कविताएँ, और साथ ही साथ कुछ नए कवियों की कविताएं जैसे अनूप की है और रजनी की है और उसमें मेरी भी है। तो ये काव्यालय.org ने भी बहुत सारा योगदान दिया है जी। और कई लोगों ने उसको पढ़ा। अब जैसे एक मैं घटना बताता हूँ कि एक कोई जेल में कैदी था और उसको शायद 8-10 साल की सजा हुई थी, उसने जेल से वाणी मुरारका को पत्र लिखा कि कितना उसको काव्यालय से फायदा हुआ। तो ये बात जो अभी अनूप बता रहे थे तो कि आपकी बात से एक और प्रश्न होता है, तो यानी जेल में उनको इंटरनेट की सुविधा उपलब्ध नहीं, ये हाँ मतलब उन्होंने क्या हुआ था, ये थोड़ी सी 5-6 साल पहले की बात है, 10 साल पहले की बात है, ये उन्होंने पढ़ा था किसी पत्रिका में काव्यालय के विषय में कि काव्यालय इंटरनेट पर ये कुछ है, तो उन्होंने उस समय तक काव्यालय में नहीं पढ़ा था, लेकिन ये पढ़ के कि काव्यालय में ये सब मिल रहा है तो ही वह सो फैसिनेटेड। तो अब पता नहीं कहाँ हैं क्या है वो जी। लेकिन ये रुचि जो है ये, और ये बात अनूप की बहुत ठीक है कि देखिए तकनीकी विकास से सभी को फ़ायदा होता है,
तो अब ये किताबें भी अच्छी हैं, लेकिन किताबें भी एक लिमिट है, एक सीमा है, हमको अक्सर मिलती नहीं है, पैसे नहीं होते हैं, लाइब्रेरी नहीं होती, लेकिन इंटरनेट ने ये बहुत बड़ा काम किया है। तो आप कुछ और बात कह रहे थे, SMS वगैरह से भाषा दूसरी है, वो कुछ कहें ख़राब है, डिस्टोर्टेड है, लेकिन इंटरनेट पे तो किताब पूरी की पूरी मिल रही है, तो आप चाहे प्रश्नों पे पढ़ें चाहे इंटरनेट पे पढ़ें, तो इंटरनेट ने बहुत तो ये बात फिर से मैं दोहराना चाहूँगा, एक और जैसे खजाने वाली बात है, kaavalaya.org kavyalaya.org पर भी आपको हिंदी साहित्य की बड़ी समृद्ध सामग्री मिल सकती है, और उसमें कुछ पैसा भी नहीं खर्च करना पड़ता है। तो ये जो फायदा होता है वो भी इंटरनेट हमारे सामने ला रहा है, ऑफ कोर्स वो हमारा ध्यान खींच रहा है, हमें कहीं और ले जा रहा है, तो कहीं ना कहीं हमें अपने भीतर स्पष्ट होना आवश्यक है कि हम जाना कहाँ चाहते हैं। तो ये स्पष्टता की दृष्टि से जब हम कविताओं को देखें, तो कोई ऐसी कविता चाहे आपकी या किसी और की जो आपको लगता है कि इस दिशा में हमारी मदद करती है स्पष्टता बढ़ाने में? विनोद आप जी इसके बारे में नहीं, जो स्पष्टता समझने की कि हमें जाना कहाँ चाहिए, प्राथमिकता क्या होनी चाहिए? नहीं, ये एक मैथिशियन गुप्त ने अपने भारत भारती में जो पहली दो पंक्तियाँ लिखी हैं, और उसी तरह की एक शायरी है, वो मैं भी सुनाता हूँ। पहले गुप्त जी की ये थी कि हम कौन थे, क्या हो गए, अब और क्या होंगे अभी, आओ विचारें आज मिलकर ये समस्याएं सभी। और साहिर ने लिखा इसका थोड़ा सा दूसरा रूप है, उनकी किताब में जो उन्होंने अपनी जो प्रस्तावना प्रीफेस में पर दो लाइनें लिखी थी, साहिर लुधियानवी की मैं बात कर रहा हूँ, आजकल के शायद कई बच्चों को नहीं पता होगा साहिर लुधियानवी तो बहुत बड़े कवि थे, तो उन्होंने इस किताब की परछाई उसमें प्रस्तावना में लिखा था कि दुनिया ने तजुर्बा तो हवादिस की शक्ल में जो कुछ मुझे दिया है वो लौटा रहा हूँ मैं। तो ये उनका अपना एक अप्रोच था कि हम अगर कोई कड़वाहट की बात कर रहे हैं क्योंकि मुझे समाज से ये मिला है, लेकिन गुप्त जी की ज़्यादा पॉजिटिव है कि हाँ चलो सोचें कि क्या हो रहा है और किधर जाएंगे, तो कविता से दिशा तो मिली है हमको। और कविता जो है इज़ एन एजेंट ऑफ चेंज जैसे कहते हैं। अब मैं जब मैं पैदा हुआ, जब से मैंने ग्रो अप किया, तो बहुत सारी जो सामाजिक बुराइयाँ जो मैंने समझी कविता पढ़ के ही समझी, जैसे छुआछूत की बात है, दहेज की बात है। अब मैं छोटा था, मुझे पता नहीं था छुआछूत क्या है, दहेज क्या है, लेकिन कुछ सुनते रहे। मुझे सियाराम शरण गुप्त की जो कविता है एक फूल की चाह जी, मुझको देवी के प्रसाद का एक फूल ही दो लाकर, तो वो मैंने पता नहीं कब पढ़ी थी, लेकिन मन में इतना उसका प्रभाव हुआ था कि मैं कभी छुआछूत नहीं मनाऊंगा तभी से। तो ये कविता के मैं छोटा था इतना असर हुआ कविता का। तो कविता जो है ये एक्ट्स एज एन एजेंट ऑफ चेंज। तो ये चेंज की बात करते हुए मैं भी अपने बचपन की तरफ चला गया, तो मुझे भी चार शब्द से जो पंक्तियाँ याद आईं, संभव आपको पता हो कि किन की हैं, उसमें वो अंतिम पंक्तियों की तरफ ले जाते हुए ये कहते हैं कि चाह वो चाह नहीं सुरबाला के सुर माखनलाल चतुर्वेदी, फिर अंत में माखनलाल जी कहते हैं कि मुझे तोड़ लेना बन माली, उस पथ पर तुम देना फेंक, मातृभूमि पर शीश चढ़ाने, जिस पथ जाए वीर अनेक। तो जो भाव हैं वो एक तरह से ऐसे प्रिजर्व हो जाते हैं कविता के शब्दों में कि आप कभी भी उनको छुएं तो उसी तरह की तरंगें आपके अंदर जागृत हो जाती हैं। तो ये जो तरंगायित करने वाली शक्ति कविता की है, ये आने वाले समय में क्या करवट ले सकती है, क्या संभावनाएं आपको दिखती है दोनों को, जिस तरह की सृजनशीलता आप देख रहे हैं कवियों में या रुचि यहाँ अमेरिका के संदर्भ में भारत? नहीं, कविता का अगर भविष्य की आप बात कर रहे हैं तो उसमें तो कोई संदेह नहीं है कि जब तक ये हम रहेंगे, सभ्यता रहेगी, कविता तो जिंदा रहेगी। सही बात। और जैसा कि विनोद ने कहा कि कविता वर्क्स एज एन एजेंट ऑफ चेंज, तो उसमें जो बदलाव जिसने लाए हैं, अब आप लीजिए सुभद्रा कुमारी चौहान की जो कविता है खूब लड़ी मर्दानी, वो तो झांसी वाली रानी थी, उस कविता ने कितने लोगों को उद्वेलित किया है और कितना उसने भारतीय स्वतंत्रता संग्राम में एक महत्वपूर्ण भूमिका अदा की है, वो बड़े बड़े नेताओं के भाषणों से शायद बिल्कुल नहीं हो पाई थी, जो कि उनकी एक कविता ने
इसको किया। सच्ची बात। तो कविता की सार्थकता और उसकी रेलेवेंस तो मेरे ख्याल से कभी कम नहीं हो सकती। तो उस पर कोई प्रश्न चिन्ह लगाया नहीं जा सकता। मैं सिर्फ बात को पलटना चाहता हूँ अनूप जी की। उन्होंने कहा कि जब तक सभ्यता है तब तक कविता है। मैं ये सोचता हूँ कि कविता है तो सभ्यता है। पर कविता और फिजिक्स के बारे में बात करते हुए कुछ समय पहले विनोद जी ने कहा कि वो फिजिक्स को अपनी स्ट्रेंथ की तरह देखते हैं, कविता को वीकनेस की तरह। वो भी एक काव्यात्मक एक्सप्रेशन है मुझे लगता है, क्योंकि कविता उनके लिए भी शक्ति ही है। और मैं चलते चलते अपने दर्शकों तक ये बात भी पहुंचा देना चाहता हूं कि आपको लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड मेडल जो हाल ही में इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस ऑन कंप्यूटेशनल इंजीनियरिंग एंड साइंस पर सिएटल में दिया गया था, उसके लिए बहुत बहुत बधाइयाँ। और अंतिम जो एक मिनट है उसमें आप कोई बात जिससे आपको विशेष संतोष मिला हो और जिसका कविता से भी संबंध हो, अगर काव्य रूप में ही हम तक पहुंचा सकें। काव्य रूप में मैं पहले आपको धन्यवाद जो आपने हमें बधाई दी। ये बात मेरे मन में अक्सर रहती है रामचरितमानस की, एक बात कि कभी कुछ जैसे अच्छी रिसर्च हो जाती है, अच्छी कविता हो जाती है तो मुझे लगता है कि हाँ मैंने किया। लेकिन तुरंत तुलसीदास जी की एक चौपाई मुझे याद आ, एक दोहा याद आ जाता है तो फिर समझ जाते हैं पूरी बात। तो वो दोहा ये है और ये मैं आप सबसे शेयर कर रहा हूँ कि बोले बिहंस महेश तब ज्ञानी मूढ़ न कोय, जो जस जब हरिहर चाहें सो तस तेहि क्षण कोय। वाह। अर्थात ये कि ये पार्वती जी ने उनसे महेश से शिव जी से कुछ पूछा था नारद जी के विषय में कि वो इतने ज्ञानी हैं, उन्होंने ऐसी मूर्खता की बात क्यों की। तब महेश जी ने उनको बताया कि देखो ज्ञानी और मूर्ख कोई नहीं होता। जैसा भगवान जिस समय जो चाहते हैं कोई भी व्यक्ति उसी तरह से एक्ट करता है। तो भगवान ने ये चाहा, उस तरह से ये बात हमने आप तक पहुंचाई और इसमें आनंद की जो गंगा का प्रवाह हुआ अनूप जी और विनोद जी की उपस्थिति से, उसके लिए इन दोनों का धन्यवाद करने के साथ साथ हमारे साथ बने रहने के लिए आप सबका बहुत बहुत शुभकामनाओं के साथ आभार। आपका वीकेंड मंगलमय हो। अशोक व्यास को अनुमति दें। नमस्कार।